नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, किसान कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 49 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने मामले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वे मध्यस्थता की मांग को लेकर कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए वे इस कमेटी को नहीं मानते और पहले से प्रस्तावित भी विरोध कार्यक्रम नियमित रूप से चलते रहेंगे। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त तो किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हमें संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक विरोध करने के अधिकार को मान्यता दी है। कोर्ट ने उन बेबुनियादी याचिकाओं पर कान नहीं दिए जिन्होंने किसानों के मोर्चे को उखाड़ने की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार, शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर को DSDA के चेयरमैन पद से हटाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने अपनी पार्टी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी पर कार्यवाही की है। TMC सरकार ने अपने ताजा फैसले में पार्टी सांसद शिशिर अधिकारी को दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन के पद से हटा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्राधिकरण की जिम्मेदारी अखिल गिरी को सौंपे जाने का फैसला हुआ है। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता सरकार पर हमलावर हैं। वो पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव के दौरान दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को उनकी एक जनसभा के दौरान TMC कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले को कांग्रेस विधायक ने 51,000 देकर किया सम्मानित। जी हां दोस्तों, रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले शख्स को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने दिया है। बताया जा रहा है कि रायबरेली के हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह को इस काम के लिए 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, राकेश सिंह रायबरेली के हरचंद विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में राकेश सिंह ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और बीजेपी लहर में भी कांग्रेस को जीत दिलाई। आपको बता दें कि 2018 में उनके MLC भाई दिनेश सिंह विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद से राकेश सिंह के सुर बीजेपी के लिए मीठे और अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए कड़वे निकल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को मंत्र। जी हां दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जनता से मिले तमाचे के बाद भी नहीं गई महबूबा मुफ्ती की अकड़, कहा हम भाजपा को रोकने में सफल रहे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजों में भले ही राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आईना दिखा दिया हो, लेकिन उनकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में धारा 370 की बहाली तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनकी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खराब प्रदर्शन पर पर्दा डालते हुए उन्होंने कहा कि हम भाजपा को रोकने के मिशन में कामयाब हुए हैं और ये व्यक्तिगत जीत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को किया आगाह। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को इस बीमारी से सतर्क रहने और कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार पालन करने की अपील की है। दिल्ली में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की स्थिति पूरे विश्व में चिंताजनक है। भारत में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं, इसके बावजूद हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए और लगातार सावधान रहना होगा। मंत्रालय के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना संक्रमण के फिलहाल 7,593 केस हैं, जबकि मौतों के मामले में प्रति 10 लाख पर
109 है। देश में पिछले हफ्ते मौतों की दर 1.2% रही। भारत में कोरोना संक्रमण पर बेहतर स्थिति का कारण यहां पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहा है। सभी लोगों को इस समन्वय को बनाए रखना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। SFJ रच रहा है भारत के खिलाफ साजिश। रिपब्लिक डे पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले किसान को देगा इनाम। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में भारत विरोधी ताकतों के शामिल होने की खबरों के बीच अमेरिका से आई एक खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने किसानों को बरगलाते हुए कहा है कि 26 जनवरी वाले दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को इनाम दिया जाएगा। अलगाववादी समूह ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान यदि भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर खालिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं तो उन्हें भारी भरकम इनाम दिया जाएगा और यह इनामी राशि 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और 4 दिन शीतलहर, इन राज्यों में भारी बारिश की है आशंका। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अभी कम से कम 4 दिन और शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली। मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पौंडुचेरी के लिए भी ऐसे ही अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। IMD ने कहा है कि शुष्क उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका है। विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तथा उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में छिटपुट स्थानों पर अगले 3 दिन शीतलहर, तेज शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 4 से 5 दिनों तक घना और अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा। विभाग ने 13 से 16 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए और 13 जनवरी को राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों कोमोरिन क्षेत्र में चक्रवात के प्रभाव से तमिलनाडु, पौंडेचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2-3 दिन वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दें दोस्तों 29 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद तेल के दाम में 6 और 7 जनवरी को बढ़ोतरी हुई थी। इन 2 दिनों में ही पेट्रोल के भाव 49 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे, जबकि डीजल 51 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। और देश की राजधानी दिल्ली में आज के पेट्रोल के भाव 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 74 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने के भाव में आज आई तेजी, चांदी भी हुई 1400 रुपए महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज भी सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई है। हालांकि अब भी ये 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे ही बना हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 297 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई। वहीं चांदी के दामों में आज 1404 रुपए का उछाल आया है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,649 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 63,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बजट 2021 में वित्त मंत्री कर सकती है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी धक्का पहुंचा था। ऐसे में वाहन उद्योग को बूस्ट देने और कार ग्राहकों को राहत देने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा वित्त मंत्री आगामी बजट में कर सकती है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि 1 फरवरी 2021 को इस बारे में कोई घोषणा होने की संभावना है। सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को फेस आउट करने के लिए कड़ी स्क्रैपेज पॉलिसी तैयार की है। सरकार का तर्क है कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए पुराने वाहनों को हतोत्साहित करना जरूरी है। इसी मकसद से सरकार ने यह बेहद महत्वाकांक्षी नीति तैयार की है। स्क्रैपेज पॉलिसी का लक्ष्य है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए वाहनों के री रजिस्ट्रेशन या पुनः पंजीकरण करने पर कई गुना शुल्क लेने का प्रस्ताव है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में हिंसा का खतरा, डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में लगाई इमरजेंसी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। उन्होंने अपने समर्थकों की ओर से संभावित बवाल को देखते हुए यह घोषणा की है। अगले सप्ताह जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। अमेरिकी प्रशासन को अंदाजा है कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक फिर से पूरी राजधानी में हिंसा की स्थिति बना सकते हैं। कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन की जीत की घोषणा करते समय ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में जबरदस्त हिंसा और आगजनी की थी, जिसमें सुरक्षा कर्मियों समेत 5 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आखिरकार जांच के लिए तैयार हुआ चीन। 14 जनवरी को वुहान पहुंचेगी WHO की टीम। जी हाँ दोस्तों, चीन आखिरकार कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए तैयार हो गया है। बीजिंग की तरफ से कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को चीन आकर जांच के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। WHO की टीम 14 जनवरी को चीन का दौरा करेगी। हालांकि विशेषज्ञों को आशंका है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अब तक उन सभी सबूतों को मिटा दिया होगा जो वायरस की उत्पत्ति को लेकर उसे कटघरे में खड़ा करते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए अच्छी खबर। खुदरा महंगाई दर घटकर 4.59% रही। खाने पीने की चीजों के दाम भी घटे। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में खुदरा महंगाई दर और खाद्य महंगाई दर में कमी दर्ज की गई है। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2020 में 4.59% रही है। नवंबर 2020 में यह दर 6.93% थी। दूसरे शब्दों में समझे तो खुदरा महंगाई दर से जुड़े ये आंकड़े आम लोगों, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए काफी राहत भरे हैं। इससे ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में जारी रहा रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला। 49,500 से ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली और ये दोनों सूचकांक एक नए स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स जहां 247.79 अंकों की तेजी के साथ 49,517.11 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78.70 अंकों की बढ़त के साथ 14,563.45 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।